गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हिंदी मेधा में हम अपना पाठ दो पढ़ेंगे जिसका नाम है लेखनी की आत्मकथा। यह पाठ हमारे सामने बच्चों एक जानकारी के रूप में आया है जिसमें लेखनी अर्थात कलम, जिसे हम इंग्लिश में पेन भी कहते हैं, अपने बारे में हमें जानकारी दे रही है। कलम का हमारे जीवन में बच्चों बहुत अत्यधिक महत्व है। हम कोई भी कार्य, लिखने का कार्य कलम के बिना नहीं कर सकते, अर्थात कलम नहीं होता तो हमारा कोई भी उपन्यास, हमारे नाटक, हमारे निबंध, हमारी कोई भी मैगजीन्स आदि नहीं लिखी जाती। तो कलम अपने जीवन में बताते हुए मैं कह रहा है कि मेरा मनुष्य की ज़िंदगी में कितना महत्व है। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं हम अपना लेखने की आत्मकथा। मैं लेखनी हूँ बच्चों और मेरा पूरा नाम कलम है। अंग्रेजी में मुझे पेन कहा जाता है, अंग्रेजों ने मेरा नाम पेन रख दिया था। अब ज़्यादातर लोग मुझे पेन के रूप में ही जानते हैं, मतलब अधिकांश लोग, ज़्यादातर मतलब अधिकतर, ज़्यादातर लोग मुझे पेन के नाम से ही जानते हैं। मैं देखने में छोटी ज़रूर हूँ लेकिन मेरा काम जो है बहुत बड़ा है। समाज के कोई भी वर्ग हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे वकील हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे स्टूडेंट्स, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सभी क्या है मुझे प्रयोग में लाते हैं। सभी मुझे अपने हृदय से, अपने दिल से लगा कर रखते हैं। तो लेखनी अपने बारे में याद करते हुए कह रही है, वो कहती है कि मुझे याद है आज भी जब मुझे मात्र पौधे से काट कर अलग कर दिया गया था। जब मुझे मात्र अर्थात माता, मुझे माता पौधे से काटकर अलग कर दिया गया था एक टहनी के रूप में, तो बहुत ही दुख हुआ था मुझे। और इतना ही नहीं, मनुष्य ने, इंसान ने फिर मेरा सिर भी काट दिया, मुझे छीलकर नुकीला बना दिया, और कभी मुझे लाल स्याही में, कभी नीली स्याही में, और डुबो डुबो कर मेरा मुंह बिल्कुल बंद कर दिया, मेरा दम घोट दिया। और फिर उसने लिखना शुरू किया, कागज पर मुझे रगड़ना शुरू कर दिया। मैंने बहुत दुख सहन किए हैं लिखने तक की प्रक्रिया में। अब कुछ दिनों बाद मेरा स्वरूप, मेरा आकार, मेरी बनावट बदल दी गई। लेखनी का अब पेन के रूप में प्रयोग होने लगा।